ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जनपद में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी है। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण ज्यादातर लोग घरों में दुबके रहे। दोपहर बाद हल्की सी धूप दिखी तो छतों पर, सड़कों पर चहल पहल नजर आई, लेकिन शाम को फिर वही गलन, फिर वही कोहरा। आजकल पड़ रही हाड़कंपा देने वाली ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बस व रेल यातायात का सहारा लेने वाले घंटों स्टेशन पर इंतजार में समय काट रहे हैं। आलम यह है कि आजमगढ़ से दिल्ली जाने वाली कैफियत एक्सप्रेस रविवार को 24 घंटे लेट दोपहर करीब 12 बजे रवाना हुई। चूंकि समूचा उत्तर भारत ठंड व कोहरे की चपेट में है, ऐसे में मुजफ्फरनगर से सूरत के रूट पर चल रही सभी ट्रेनें लेट लतीफी का शिकार हैं। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात मुख्य टिकट निरीक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव ने एबीसी चैनल को बताया कि आजमगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। गाड़ियां तो कुहासे वगैरह के कारण जो है बहुत ज्यादा विलंब से चल रही हैं। कल की 9166 साबरमती दोपहर में 2 बजे टाइम थी, वो आपकी कम से कम 20 घंटे के लगभग लेट गई है। सुबह 9:30 के आसपास आजमगढ़ से अहमदाबाद के लिए गई है। उसके बाद कैफियत 24 घंटे 25 घंटे विलंब से आ रही है। 6 तारीख की गाड़ी आज 7 में करीब करीब 12 बजे के आसपास दिल्ली के लिए रवाना हुई है। 9166 अहमदाबाद से दरभंगा को जाती है, वो भी गाड़ी सुबह 8:20 की टाइम थी, 5 घंटे विलंब से गई है। 4650 अमृतसर से जयनगर को जाती है, वो गाड़ी अभी 6 घंटे विलंब से आ रही है, 12:40 का टाइम है दोपहर में। इसी प्रकार गोदान एक्सप्रेस भी लगभग आधे घंटे विलंब से गई है, 10:10 का टाइम था, आधे घंटे लेट गई है। 9046 ताप्ती गंगा छपरा से सूरत जाती, वो भी कम कम 45 मिनट कुहासे के ही चपेट में विलंब हो रही है। गाड़ियां लगभग 12 घंटे 13 घंटे ज्यादा लेट हो रही है। 9053 सूरत से मुजफ्फरपुर रात में जाती है शनिवार को 9:50 में, सुबह में गई है 9:10 उसमें करीब। इसी प्रकार गाड़ियां विलंब चल रही हैं। जनपद में ठंड का प्रकोप बढ़ने के बाद जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने प्रशासनिक अफसरों को निर्देश दे दिया था कि निराश्रित परिवारों, गरीबों, यात्रियों को रात में कंबल बांटा जाए। इस निर्देश के बाद कंबल वितरण का काम शुरू हो गया है। तहसीलदार सदर हेमंत कुमार गुप्ता ने एबीसी चैनल को बताया कि 2500 कंबल मिले थे, कुल 2254 गरीबों को कंबल बांट दिया गया है, आगे भी वितरण कराया जाएगा। देखिए, हमारे तहसील में 2500 कंबल दिए गए थे जिला डीएम साहब की तरफ से, जिसमें से 2254 कंबल अब तक वितरित किए जा चुके हैं। आज भी अभी और वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया गया है, अगर और मिल जाएंगे शासन से कंबल तो वितरित किए जाएंगे। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जिला मुख्यालय स्थित राहुल प्रेक्षागृह में रविवार को अपना दल एस की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के योगी सरकार के पूर्व की सरकार की नीतियों को अपनाने और केवल घोषणा करने संबंधित बयान पर जवाब दिया।
कहा कि अखिलेश यादव आत्ममंथन करें कि आखिर उनकी नीतियां इतनी कारगर थीं तो प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता क्यों दिखला दिया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन इतिहास में अब तक का सबसे सफल गठबंधन है। हमारी लोकप्रिय नीतियों का परिणाम है कि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया। आने वाले 2019 और 2022 के चुनाव में भी गठबंधन मजबूती से लड़ेगा, इसीलिए विपक्षी दल घबराए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के दवा इलाज के लिए तमाम उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल शीतकालीन सत्र में आना था, लेकिन विपक्षी दलों की राय के बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया है। अब बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा। ये हमारी पार्टी की मासिक बैठक है, जिसे हम परंपरा से हटकर इस बार प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्थान पर आजमगढ़ में आज कर रहे हैं। और हमारे नए साल में राष्ट्रीय कमेटी के सभी सदस्यों ने यह तय किया है कि अब हमारी पार्टी की मासिक बैठक इसी प्रकार प्रदेश के कोने कोने में होगी। और इसकी शुरुआत हमारे पूर्वांचल के एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद से, आजमगढ़ से की जाए, क्योंकि लंबे समय से कार्यकर्ताओं की इच्छा भी रही थी कि इस क्षेत्र में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मेरा आगमन नहीं हुआ है। तो कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति ने यह तय किया कि नए साल की पहली मासिक बैठक आजमगढ़ में संपन्न की जाएगी। है कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में देखा जाए तो अब तक का सबसे सफल गठबंधन अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। 2014 में हमने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 लोकसभा सीटों को जीता। अपना दल ने 100% सीटें जीती, दो सीटें लड़ी, दोनों जीती। उसके बाद 2017 के चुनाव में हम मिलकर लड़े और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक गठबंधन हुए उसमें सबसे ज्यादा सफल गठबंधन ये रहा। 403 में से 325 सीटों को एनडीए के इस गठबंधन ने जीता है। मुझे लगता है कि इस गठबंधन की ताकत से कहीं न कहीं जो विपक्षी दल हैं आज वो पूरी तरह घबरा चुके हैं, और ये गठबंधन इसी प्रकार बरकरार रहेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा। आने वाले 2019 और 2022 में और भी धमाकेदार उपस्थिति के साथ इस गठबंधन की ताकत प्रदेश की जनता ने जो ताकत दी है वो लोगों को नजर भी आएगी। अच्छा, अपने परिवार को कितना लेकर साथ चलेंगे आने वाले चुनाव में? सब परिवार है, सब साथ में है। अच्छा, 2019 में क्या आप अपना ताकत बढ़ती ताकत से ज्यादा सीट चाहेंगे लोकसभा में? अब ये लोकसभा चुनाव का जो निर्णय है, अभी सीटों के बंटवारे पे चर्चा में बहुत समय है, समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी है, यदि मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की बात करूं, तो ऐसे तमाम कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं जिसके जरिए देश की गरीब और वंचित जनता को स्वास्थ्य लाभ देने का प्रयास किया गया है। मैं उदाहरण के लिए आपसे चर्चा करना चाहती हूं अमृत फार्मेसी स्टोर्स की। ये एक ऐसा कदम है जिसके माध्यम से कैंसर और इसके जैसी अनेक जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज होती हैं, बीमारियां होती हैं जानलेवा, उनकी दवाएं जो बहुत महंगी मिला करती थी, अमृत फार्मेसी स्टोर्स के माध्यम से ऐसी जानलेवा बीमारियों की जो दवाएं हैं वो आज 70 से लेकर 90% तक मार्केट रेट से डिस्काउंटेड रेट्स पर लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर सभी जो हमारे जिला अस्पताल हैं उसमें इसे धीरे धीरे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे वाले मरीज हैं उनको डायलिसिस की सुविधा निशुल्क मिलेगी। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ फ्री ड्रग्स और डायग्नोस्टिक्स का, यानी निशुल्क दवाएं और निशुल्क डायग्नोस्टिक्स जो जरूरी जांच होती है। ये भी एक ऐसा हमारा इनिशिएटिव है, ऐसी पहल है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर निशुल्क दवाएं और निशुल्क जो जरूरी मेडिकल जांच होती है जिसके लिए डायग्नोस्टिक के नाम पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है, वो भी जो गरीब जनता है उसको निशुल्क रूप से ये सेवा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम प्रयास हमारी सरकार के आने के बाद हुए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से एम्स की संख्या बढ़ रही है। आज देश के अंदर हरेक राज्य को कम से कम एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है।
हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया एचआईवी एड्स बिल लाकर, हमने नया कानून बनाया, मेंटल एक्ट का नया कानून बनाया। इसी के साथ 15 सालों से हमारे देश के अंदर जो स्वास्थ्य नीति थी नई बनी थी, हमने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को लाने का काम किया, जिसमें हमारा फोकस है कि हम सिक केयर से वेलनेस केयर की ओर मूव करेंगे। और अभी तक जो हमारे जीडीपी का केवल 1.2% ही हम स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च करते आए थे, हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत हमने तय किया है कि अब हम 2025 तक जीडीपी का 2.5% यानी 2.5% स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च करेंगे। तो ऐसे तमाम प्रयास हैं जो हमारी केंद्र की सरकार कर रही है, जिससे कि देश का जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो सुदृढ़ हो सके। मैडम, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तमाम प्रयास कर रहे हैं, और डॉक्टरों की कमी से जूझने, ये जो जूझ रहा है हमारा सिस्टम, इसको दूर करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने भी बहुत सारे प्रयास किए हैं। हमने 5000 पीजी सीट्स बढ़ाई हैं, हमने एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई हैं, इसके साथ ही जो हमारे कई आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाकर उनको हमने रिक्रूट करने की कोशिश की है। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर रही है। हमारी लोकप्रिय जनप्रिय नीतियों का ये परिणाम है कि आज जनता का विश्वास इस गठबंधन के ऊपर, इस सरकार के ऊपर बढ़ रहा है। इसलिए आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी तमाम विपक्षी दल घबराकर एक हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जनता हमारे साथ है, और 2019 में भी जनता का उसी तरीके का प्यार हमें मिलेगा जैसा 2014 में मिला है। नया बिल आने वाला था लोकसभा में जो नहीं आ पाया, जिसमें अन्य विधाओं के जो थे एलोपैथी के अलावा उनको खाना था, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो लाया जाने वाला था, उस संबंध में तमाम विपक्षी दलों की राय को सरकार ने उसको संवेदनशीलता से एक्सेप्ट करते हुए इस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है, और स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव लेने के बाद जो आने वाला हमारा बजट सत्र है, जिसकी शुरुआत 29 जनवरी से हो रही है, इस बिल को पुनः पेश किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर भी उनके खिलाफ हैं, आईएमए पूरा एकदम स्ट्राइक पे चला गया था उस दिन। नहीं, दिन मैंने आपको इसीलिए बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो हमारे संसद के शीत सत्र में आने वाला था, उसे ये तमाम जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए ही इसे पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास, संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया है। आज अखिलेश यादव ने तंज कसा है अपने योगी जी पे कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ घोषणा करने जा रहे हैं और हमारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। यदि उनकी नीतियां इतनी ही कारगर थीं तो प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता क्यों दिखलाया? ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट खाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। हत्या जैसी बड़ी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस कप्तान अजय कुमार साहनी का सख्त निर्देश है कि मारपीट की घटनाओं में थानेदार और क्षेत्राधिकारी मौके पर जाकर त्वरित कार्रवाई करें। लेकिन सरायमीर थाने की पुलिस को तो मानो हत्या की वारदात का ही इंतजार है। उसके पहले थानेदार साहब की कुंभकर्णी निद्रा टूटती ही नहीं। जिला अस्पताल में भर्ती इस महिला, उसके पति व बच्चों को विरोधियों ने बुरी तरह मारपीट कर लहू लुहान कर दिया। उसके बाद भी सरायमीर पुलिस इसे मारपीट की मामूली घटना बताकर अपनी लापरवाही को छुपाने में ही लगी हुई है। 25 वर्षीय मानमती सरायमीर थाने के बस्ती गांव की रहने वाली है। महिला ने बताया कि बच्चों का मामूली विवाद हुआ था, पुलिस ने थाने पर बुलाकर सुलह कराई, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। उसी का नतीजा रहा कि विरोधियों ने शनिवार को 40 वर्षीय बेचू, 30 वर्षीय धर्मेंद्र, 14 वर्षीय अमित व 12 वर्षीय नीलम को मारपीट कर घायल कर दिया। महिला को भी मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया। ये काले 8 बजे भैल हमारा आदमी काम में भी जात रहना, कब क्या हुआ, कैसे घटना घटी? इतनी कल सर परसों कही ले रहना, छोट छोट बच्चे के विषय में तो थाने में ही नहीं,
थाने में आई ने तो थाने से सुल्ला सोपत भाई लोन का लड़का बंद रहना है, मेरे जेठे का लड़का बंद रहना है। सुल्ला सोपत भाई तो लेके गई नहीं, घरे सब गयल तो हम लोग एकदम थुआर आली, हम निश्चिंत राली की अब तो सुल्ला हो गई, मार तो हो ही ना। बस सर हमारा आदमी दिहाड़ी करने वाला है, वो साइकिल लेके जाते थे काम, बस उनका बेटा आके लड़ा देने। घायल महिला का इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है, उसका परिवार इस घटना से सहमा हुआ है। विरोधी फिर हमला कर सकते हैं, आखिर पुलिस कार्रवाई कब करेगी? इस बाबत जब सरायमीर थानाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि घटना मामूली है, दो दिन की पुरानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। थानेदार साहब कुछ भी कहें, लेकिन सवाल ये है कि हत्या जैसी बड़ी घटना हो जाएगी तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? पीड़िता ने अब पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी से मदद मांगी है कि उसके परिवार के ऊपर फिर हमला न हो। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय में शनिवार के दिन आकांक्षा समिति की अध्यक्ष अंजना सिंह सेंगर की अध्यक्षता में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के वार्डन, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा एवं सहायक वित्त और लेखाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान के साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें केजीबीबी में शिक्षक शिक्षण कर्मियों के रिक्त पदों पर सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर चयन कर शिक्षा कार्य को उत्तम बनाने, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तरवा, ठेकमा एवं लालगंज के अपूर्ण भवन को पूर्ण कराने और सुविधाएं बढ़ाने, शिक्षकों की कमी पूरे करने सहित तमाम बिन्दुओं पर अधिकारियों को निर्देश दिये गये। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। ठंड से बचाव का प्रशासनिक फरमान जारी हो चुका है, कई विभागों में दौड़ भाग शुरू भी हो गई है, लेकिन आजमगढ़ के सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए अलाव तक का इंतजाम नहीं हो पाया। इसी स्टेडियम में करीब 800 युवा खेलों की प्रैक्टिस करते हैं तो पुलिस व सेना भर्ती की तैयारी दौड़ लगाने वाले युवक प्रतिदिन यहां आते हैं। आजकल खूब ठंड पड़ रही है, स्टेडियम में लाखों रुपया हर साल खिलाड़ियों के लिए आता है, लेकिन बदनसीबी ये कि उनकी सुविधाओं पर खर्च नहीं हो पाता। खिलाड़ी खुद बता रहे हैं कि ठंड में यहाँ अलाव नहीं जलवाया जाता और इंतजाम तो दूर की बात है। नहीं, ठंड तो बहुत ज्यादा है, पर मतलब नहीं, अलाव व्यवस्था तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, बच्चे आते हैं, खेल के चले जाते हैं। स्टेडियम में क्रिकेट और जैसे कि खेलने के लिए आते हैं, और तो जैसे कि यहाँ के अलाउट और ये सब की व्यवस्था नहीं है कि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए कोई ना कोई सरकार से गुजारिश है कि मतलब कि यहाँ स्टेडियम के जो हैं, स्टेडियम के जो RSO सर हैं, उनसे थोड़ी गुजारिश है कि मतलब ये सब देखें। ये क्या दो स्टेडियम क्या करने आप लोग आते हैं? खेलने आते हैं स्टेडियम में। यहाँ ठंड ठंड लग रही है? हाँ। क्या लग रही है? ठंड। अलाव कहीं जल रहा है? नहीं जल रहा है। नहीं नहीं। क्या नहीं जल रहा है? अलाव। कहाँ तुम जाते हो आग तापने के लिए ठंड में? घर पे। प्रेमड़ी यादव की तरह ढेर सारे छोटी उम्र के बच्चे भी अपने पसंदीदा खेल की प्रैक्टिस करने प्रतिदिन स्टेडियम आते हैं। सबको मलाल यही है
कि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी का कलेजा क्यों नहीं पसीजता। सुखदेव पालवा ने स्टेडियम के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी से जब बात करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वे छुट्टी मना रहे हैं। देखना है कि छुट्टी से लौटने पर क्या करते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों की मदद न हुई तो उनकी प्रैक्टिस जरूर प्रभावित होगी। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट खाड़ी चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। रविवार को शहर के अटलस टैंक स्थित प्रतिभा निकेतन स्कूल में टैलेंट परीक्षा में सम्मिलित बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव और विशिष्ट अतिथि शीला श्रीवास्तव ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट व स्मार्टफोन देकर पुरस्कृत किया। शेष अन्य बच्चों को रिस्ट वॉच और वॉल वॉच देकर पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि टैलेंट परीक्षा में जिले के 32 स्कूलों से कुल 731 बच्चों ने प्रतिभा किया था, जिनमें से परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 50 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। टैलेंट क्वेस्ट कराया गया था, जिसमें जो है जनपद के कुल 32 स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभा किया था। जो है उसमें लगभग कुल 700 कुछ बच्चे प्रतिभाग किए थे, 731 बच्चे, 1000 के ऊपर फॉर्म भरा था। उसमें से 50 बच्चे जो उसमें प्रतियोगिता को पार्टिसिपेट करके अधिकतम अंक पाए थे, उन्हें आज पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि सदर विधायक श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी थे। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हमारी जो है शीला श्रीवास्तव नगर पालिका अध्यक्ष जी थी, एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जो है ब्रजेश राय जी अध्यक्ष जो है वो हमारे विशिष्ट अतिथि में थे। इसमें प्रथम पुरस्कार जो है लैपटॉप दिया गया है, उसके बाद जो है द्वितीय पुरस्कार के रूप में जो है टैबलेट दो बच्चों को दिया गया, तृतीय पुरस्कार के रूप में जो है 3 स्मार्टफोन दिया गया है, उसके बाद रिस्ट वॉच दी गई है और शेष बच्चों को जो है वॉल वॉच दी गई है। इसके माध्यम से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, वो भविष्य में जो है कंपटीशन की तैयारी करेंगे एवं अपने बोर्ड की परीक्षाओं में अधिकतम अंक लाने का प्रयास। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट खाड़ी चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।